पॉइंट ये जो आप डॉट देख रहे हैं इसको हम पॉइंट कहते हैं वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर ए बी पी क्यू ई टी सी मतलब ये जो पॉइंट होता है हम इसको जब नेम देते हैं तो हम इसको कैपिटल लेटर्स में नेम देते हैं लाइक ए पॉइंट बी पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट एक्सेट्रा अ पॉइंट शोज़ अ डेफिनेट पोजीशन अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस अ पॉइंट एक पॉइंट डेफिनेट पोजीशन को शो करता है उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है ब्रेथ नहीं होती है और थिकनेस नहीं होती है यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पॉइंट और ये सिर्फ़ एक डेफिनेट पोजीशन को शो करता है इसकी कोई लेंथ नहीं है कोई ब्रेथ नहीं है एंड कोई थिकनेस नहीं है नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट लेट अस मार्क टू पॉइंट ए एंड बी ऑन अ पेपर एक पेपर पे ए एंड बी टू पॉइंट्स मार्क कीजिए वी पुट अ रूलर एंड मूव द पेंसिल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द एज ऑफ द रूलर वी गेट अ फिगर हम एक रूलर ले, ले लेंगे और रूलर की हेल्प से हम ए से लेकर बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगी ये दिस इज़ अ फिगर सो स्टूडेंट दिस इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट ए बी रिटिन एज ए बी ये आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है जिसको हम इस टाइप से लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर इस टाइप से करके सो so, स्टूडेंट हम दो पॉइंट में दो पॉइंट लेते हैं पेपर के ऊपर और उन दोनों पॉइंट को रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रा करते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो जो हमें फिगर मिलती है वो हमारी लाइन सेगमेंट कहलाती है द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी कह रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं एंड बी ये इसके ए बी के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं ये भी इसका एंड पॉइंट है एंड ये बी इसका एंड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल द लेंथ ऑफ ए बी कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस होती है वो इसकी लेंथ कहलाती है इन दोनों बीच के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी लेंथ कहलाएगी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स यू कैन सी दैट देयर इज टू एंड पॉइंट्स सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ बट बट नो ब्रेथ और थिकनेस कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है बट इसकी ना ही ब्रेथ होती है और ना ही थिकनेस होती है यू कैन सी दैट कि अगर हम इन टू पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना रहे हैं और हमें लाइन सेगमेंट मिलता है तो हम बता सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है सो so, यही हमारा कहने का मतलब है एक लाइन सेगमेंट की टू एंड पॉइंट्स होते हैं और उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो इसकी लेंथ कहलाती है और एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है ओके वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर हम लाइन सेगमेंट को पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट इज लाइन अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन एंड वी डिनोट इट बाय ए बी कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी जब एंडलेसली एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड से तो वो एक लाइन कहलाती है हम इसको ए बी से डिनोट करते हैं इसके ऊपर एरो लगाकर दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट आप यू कैन सी दैट स्टूडेंट ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट हमने इस लाइन सेगमेंट को ए की तरफ से भी एक्सटेंड कर दिया एंड बी की साइड से भी एक्सटेंड कर दिया सो so, ये हमें मिल गई एक लाइन लाइन क्या होती है जब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से एक्सटेंड कर देते हैं एरो लगाकर, तो वो आपकी लाइन बन जाती है ओके okay, जब एक लाइन सेगमेंट को एंडलेसली बोथ साइड से एक्सटेंड करते हैं तो जो हमें लाइन मिलती है वो हमार, जो हमें ए, मिलती है वो हमारी लाइन कहलाती है नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स कह रहे हैं एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ भी एरो लगे हैं यहाँ भी एरो लगे हैं सो so यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है सो वी कैन से दैट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एक लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है सिंस अ लाइन एक्सटेंड इन डेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ कह रहे हैं अगर आपकी लाइन दोनों साइड से इनडेफिनेटली एक्सटेंड एक्सटेंड्स हो रही है तो उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है स्टूडेंट जब आपका लाइन सेगमेंट होता है सो वहाँ पर दो एंड पॉइंट होते हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ कहलाती है तो आपकी लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ लेंथ होती है बट अगर आपकी लाइन जो है हम बोथ साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है मींस लाइन की हम लेंथ नहीं बता सकते कि एक लाइन की कितनी लेंथ है कोई भी इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन पेपर वी कैन ऑन वी कैन ड्रॉ अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड पुट एरो हेड्स ऑन बोथ द साइड्स कह रहे हैं हम एक लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हम सिर्फ लाइन के एक पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं एक उसके दोनों साइड्स में एरो लगाकर उसके हेड्स में एरो लगाकर हम उस लाइन के एक पार्ट को शो कर सकते हैं हम लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते नाउ रे अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट जो सिर्फ वन जो सिर्फ वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हो तो उसे हम रे कहते हैं हमने ऊपर पढ़ा लाइन लाइन जो होती है वो बोथ साइड से एक्सटेंड हो रही होती है जो लाइन सेगमेंट आपकी बोथ साइड से हो रही होती है एक्सटेंड वो लाइन कहलाती है जो लाइन सेगमेंट आपकी वन डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो रही होती है वो आपकी रे कहलाती है सो स्टूडेंट यू कैन सी दैट दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट थी ये आपकी बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है सो दिस इज़ कॉल्ड अ रे हम इसको क्या कॉल बोलते हैं इसको हम रे बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रे आ रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट यू कैन सी दैट देयर इज़ वन एंड पॉइंट सो वी कैन से दैट आ रे हैज़ वन एंड पॉइंट रे का वन एंड पॉइंट होता है नेमली ए जिसे हम ए बोलते हैं रे को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और उसके ऊपर एरो लगाकर ओके okay? रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ रे की भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पढ़ा लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है लाइन सेगमेंट जब आप टू पॉइंट्स को एक रूलर की हेल्प से मैच करते हैं मतलब दोनों पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रा करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है जिसकी डेफिनेट जिसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ कहलाती है और लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है और लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं फिर हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा लाइन लाइन में क्या होता है जब एक लाइन सेगमेंट में लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से ही एक्सटेंड कर दिया जाता है तो हमें जो फिगर मिलती है वो हमारी लाइन कहलाती है लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है फिर हमने पढ़ा रे के बारे में रे क्या होता है जब एक लाइन सेगमेंट को वन डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो जो हमें फ़िगर मिलती है वो हमारी रे कहलाती है रे का वन एंड पॉइंट होता है और इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है अंडरस्टूड अंडरस्टूड स्टूडेंट्स सबके अच्छे से समझ में आ गया ओके सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फिफ्ट सिक्सटी टू सो लेट स्टार्ट ओके सो एक्सरसाइज सिक्सटी टू पर योर क्वेश्चन नंबर थ्री इज नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे हैं जो फिगर्स दे रखी हैं इनके लाइन सेगमेंट्स के नेम बताइए सो स्टूडेंट फर्स्टली लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी एक्स टू वाई पी क्यू पी टू क्यू इस कॉल द लाइन सेगमेंट्स मतलब कि जो आपका किसी भी जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो इस्ट्रेट पाथ होता है वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है लाइक देयर इज थ्री पॉइंट यहाँ पर थ्री पॉइंट्स हैं आपकी जाए एक स्ट्रेट पाथ जा रहा है एक्स से वाई की तरफ सेकेंड स्ट्रेट पाथ जा रहा है वाई टू जेड एंड थर्ड स्ट्रेट पाथ जा रहा है जेड टू एक्स सो वी कैन से देट देयर इज थ्री लाइन सेगमेंट्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपका कहाँ से जा रहा है एक्स से लेकर वाई तक जा रहा है टू पॉइंट्स में जा रहा है एक्स टू वाई सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज एक्स वाई एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट इज वाई जेड एंड थर्ड लाइन सेगमेंट इज जेड एक्स समझ में आया जो आपके ये स्ट्रेट पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है वही आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है तो आपने देखा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट पाथ जा रहा था यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट पाथ जा रहा था यहाँ से यहाँ तक जा रहा था सो so, ये आपके लाइन सेगमेंट हो गए बी वाले में आपका एक रेक्टेंगल दे रखा है यू कैन सी दैट स्टूडेंट देयर इज फोर लाइन सेगमेंट सो फर्स्ट वन लाइन सेगमेंट इज फर्स्ट आपका जो स्ट्रेट पास जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है सो दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन सेगमेंट सो योर फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज ए बी सेकेंड इज बी सी थर्ड इज सी डी एंड फोर्थ इज यस डी यहां पर आपके फोर लाइन सेगमेंट थे ए बी बी सी सी डी डी ए समझ में आया नेक्स्ट फिगर में आप देखिए सो so, आपका कहाँ से स्टार्ट होगा एल से स्टार्ट हो रहा है सो योर फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज एल एम एंड एम देन एन ओ OP, PL. So your first line segment is LM and then MN and then NO and then OP and then PL. There is five line, line segment LLM, MN एन ओ ओ ओ ओ ओ ओ पी टी एल सो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर टेन इज़ इन द गिविन फिगर नेम दॉरिजोंटल लाइन्स नेम दर्टिकल लाइन्स एंड नेम द ऑब्लिक लाइन्स सो स्टूडेंट फर्स्टली हम आपको बताएंगे ये इस टाइप की जो लाइन होती लाइन्स होती हैं वो आपकी होती हैं हॉ हो, इस टाइप की जो लाइन्स होती हैं वो होती हैं आपकी हॉरीजोंटल लाइन्स मतलब जो स्लीपिंग लाइन्स होती हैं वो आपकी हॉरीजोंटल लाइन्स होती हैं और जो आपकी स्टैंडिंग लाइन्स होती हैं वो आपकी वर्टिकल लाइन्स कहलाती हैं एंड जो आपकी ये वाली लाइन्स होती हैं ऐसे या इस टाइप से ये होती हैं ऑब्लिक लाइन्स कौन सी होती हैं ओब्लिक लाइन्स सो फर्स्ट में आपको बोल रहे हैं नेम द हॉरिजोंटल लाइन्स हॉरिजोंटल मीन्स स्लीपिंग लाइन बताना है सो so, इस फिगर में हॉरिजोंटल लाइन्स कौन सी हैं कौन सी हैं स्लीपिंग लाइन्स एक ये लाइन स्लीपिंग है एंड ये लाइन स्लीपिंग है सो so, आपकी हॉरिजोंटल लाइन्स कौन सी हुई एस आर एंड पी क्यू सो फर्स्ट लाइन्स हॉरिजोंटल लाइन इज एस आर एंड पी क्यू यही तो आपकी स्लीपिंग लाइंस थी और स्लीपिंग लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं सो हॉरिजॉन्टल लाइंस के नेम क्या हो गए एस आर पी क्यू अब कह रहे हैं नेम द वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइंस मतलब स्टैंडिंग लाइन सो आपकी स्टैंडिंग लाइन कौन सी है फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन ये है एंड सेकेंड स्टैंडिंग लाइन ये है सो so, इसका नेम क्या है एस पी आर क्यू सो वर्टिकल लाइन्स इज एस पी आर क्यू अब कह रहे हैं नेम द ऑब्लिक लाइंस ऑब्लिक लाइंस कौन सी होती हैं ये वाली लाइंस तो इसमें ऑब्लिक लाइंस एक ये जा रही है एक ये जा रही है सो फर्स्ट ऑब्लिक लाइंस इज क्या होगी आपकी फर्स्ट ऑब्लिक लाइन यहाँ से यहाँ तक इसका नेम क्या हुआ एस क्यू एंड सेकेंड वाली का नेम क्यू क्या हुआ पी आर सो ऑब्लिक so, लाइंस इज एस क्यू एंड पी आर समझ में आया सबके अच्छे से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम राइट द नेम्स ऑफ द रेस फ्रॉम द फिगर गिवन इन ब्लू कह रहे हैं नेम जो ये फिगर दे रखी है उसमें रेस के नेम बताइए सो स्टूडेंट्स फर्स्टली रेस होती क्या है रेस होती हैं हमारी आ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी पी टू क्यू मतलब किसी भी पॉइंट से जो हमारी लाइन सेगमेंट एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है वो हमारी रे कहलाती है सो so, यहाँ पर देर इज़ सो मैनी रेज यू कैन सी दैट यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है ओ, ओ से बहुत सारी रेज एंडलेसली निकल रही मतलब कि ये 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 जो भी आपकी एरो के साथ एंडलेसली लाइन सेगमेंट एक्सटेंड हो रही हैं वो हमारी रे कहलाती हैं सो ये इसकी रेज हैं मतलब एक पॉइंट ओ दे रखा है ओ से बहुत सारी रेज निकल रही हैं सो फर्स्टली हमारी फर्स्ट रे ओ से लेकर ए तक जो जा रही है सो फर्स्ट रे हमारी क्या होगी ओ एंड देन फिर नेक्स्ट रे आपकी निकल रही है ओ से बी तक ओ बी रे को रे को रिप्रेजेंट करते हैं वन एरो के साथ एंड देन ओ सी एंड देन ओ पी एंड देन नेक्स्ट रे इज ओ क्यू नेक्स्ट रे इज ओ आर Next is O S. Next is O T. Next is and O Gaye, itnihe O A, O B, O C, O P, O Q, O R, O S, O T. Samajmaya? A very good morning to all the students. स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सिक्सटी थ्री सो लेट स्टार्ट ओके सो योर क्वेश्चन नंबर वन इज़ कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ सेवन सेंटीमीटर कह रहे हैं सेवन सेंटीमीटर का एन एक लाइन सेगमेंट बनाइए सो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम रूलर का यूज़ करते हैं रूलर मतलब जो हमारा स्केल होता है हम उसका यूज़ करते हैं यहाँ पर हमें सेवन सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है सो so, सबसे पहले हम रूलर लेंगे रूलर को रखते हैं सो so, हम वहाँ एक दो पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पॉइंट ए हमने रूलर की स्टार्टिंग से लिया यहाँ पर पॉइंट ए एंड देन हमने ले लिया सेवन सेंटीमीटर का बनाना है जितने सेंटीमीटर का बनाना होता है हम पॉइंट बी उतने सेंटीमीटर पे पर लगा देते हैं हमें सेवन सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना था हमने सेवन सेंटीमीटर पर पॉइंट बी ले लिया अब हम पॉइंट ए से लेकर बी तक रूलर की हेल्प से लाइन ड्रा कर देते हैं और हमें मिल जाता है हमारा सेवन सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट अब है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए तो हम रूलर ले, ले लेंगे फिर रूलर की हेल्प से हमने टू पॉइंट ले लिए इस रूलर के स्टार्टिंग में पॉइंट एक्स एंड हमने फ़ोर सेंटीमीटर पर लगा एक पॉइंट लगाया जिसको हमने मान लिया पॉइंट वाई अब हमने एक्स और वाई को रूलर की हेल्प से मैच कर दिया मतलब रूलर के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमें फोर सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मिल गया एंड देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर का बनाना है सो so, हमने सेम वैसे ही किया हमने एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट एट सेंटीमीटर का बनाना है तो हमने एट सेंटीमीटर पर पॉइंट क्यू ले लिया सो so, हमने पी से लेकर क्यू तक एक लाइन ड्रॉ की जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एट सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मिल गई कितने सेंटीमीटर का है ये लाइन सेगमेंट एट सेंटीमीटर का नाव स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव इज मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स आपको ये लाइन सेगमेंट दे रखे हैं इनकी मेजरिंग बतानी है सो so, हमें पूछा गया है ए बी जो है वो कितने लेंथ की है ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दे रखे थे लेंथ दे रखी थी उस लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाना था लेकिन यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है यहाँ इसके सेंटीमीटर बताने हैं तो हमें इसके मेजरिंग करने के लिए सबसे पहले हम रूलर का यूज़ करेंगे पॉइंट ए पर यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और हम पॉइंट बी तक अपने रूलर पर देखेंगे कितने सेंटीमीटर आ रहा है ये यू कैन सी दैट ये 2.5 मेरे स्केल में क्लियरली नहीं दिख रहा है लेकिन आप अपने स्केल में चेक करके देखेंगे तो ये हमारा लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर का आ रहा है तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर देन हमें सी की मेजरिंग करनी है सो तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से निकालेंगे सी हमने स्टार्टिंग पॉइंट सी पर रखा और डी पर हमारा पॉइंट आ रहा है सो तो आप देख सकते हैं ये जो इसका एंड पॉइंट है ये सिक्स के बाद फाइव आप काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइन्स तक आ रहा है सो इट मीन्स हमारी जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब हमें जी एच का बताना है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जी पर रखेंगे और हम देखेंगे एच हमारा, हमारा कहाँ तक आ रहा है कहाँ तक आ रहा है स्टूडेंट्स एच हमारा एच का जो हमारा सॉरी एच का जो हमारा एच पॉइंट है वो हमारा फाइव पर आ रहा है तो जी एच इज़ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अब हमें यहाँ पर पी क्यू दे रखी है और आर एस दे रखी है हमें पूछा गया पी क्यू कितने सेंटीमीटर की है और आर एस कितने सेंटीमीटर की है हमने पी पर अपना रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट रखा और क्यू का क्यू तक जो पॉइंट आ रहा है आपका क्यू पॉइंट कहाँ पर आ रहा है फाइव पर सो योर पी क्यू इज फाइव सेंटीमीटर अब हम आर एस देखेंगे ये हमने रूलर रखा आर पर रूलर रखा हमने आर पॉइंट पर और क्यू पे हम जब ये सिक्स के बाद लाइन हम पूरा देख सकते हैं आप जो एस पॉइंट है वो आपका फुल सेवन पर नहीं आ रहा है तो हम ये सेवन सेंटीमीटर नहीं लिख सकते तो ये जो हमारी रूलर पर ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं जब हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स पॉइंट सेवन सो जो आपकी आर एस आ रही है वो सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर की है